हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, 11th क्लास का मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में इसके पहले रेडियन, डिग्री एंड रेडियन का कॉन्सेप्ट पढ़े, और इस वीडियो के जस्ट पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आए थे, ट्रिग्नोमेट्री और सर्कुलर फंक्शन था उसका हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े थे। फिर उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आज हम लोग आगे बढ़ाते हैं, इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन किस किस तरह से यहाँ से हम लोग को पूछ सकता है। तो सबसे पहले डिग्री रेडियन वाला वीडियो देखिएगा, वो देखना बहुत जरूरी है, डिग्री से रेडियन में कैसे चेंज होता है, ये सब सारा तरीका हम वहाँ पे आप लोग को अच्छे से बताए हुए हैं। तो थोड़ा सा और हम आप लोग को पिछले वाला कॉन्सेप्ट था उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे हम ले चलते हैं, और पिछले वाला कॉन्सेप्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक या कमेंट बॉक्स में फर्स्ट में लिंक मिल जाएगा, आई बटन में ऊपर में आई बटन रहता है, वहां पे से भी लिंक लेकर और उसको भी देख सकते हैं, या नहीं तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहां से मिल जाएगा। देखिए पिछले वीडियो में हम लोग कहां तक पढ़े थे, हम लोग देखे थे ये सर्कुलर, देखे थे कि ऑल स्कूल टू कॉलेज, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकेंड में क्या होता है साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या था, फोर्थ क्वाड्रेंट में था कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है, मतलब ऑल स्कूल टू कॉलेज, स्कूल टू कॉलेज ये बताए थे, मतलब कि जितना भी स्कूल से गए, स्कूल में जितना भी पढ़ते थे सब कहाँ चले गए, कॉलेज में, यानी टेंथ तक स्कूल में, इसके बाद इलेवेंथ में कॉलेज में। याद रखिएगा ए मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का जो कन्वर्शन है साइन और कॉसेक, फिर थर्ड में टैन और कॉट और कॉस, और फोर्थ में कॉस और सेक। तो इसको सब लोग ध्यान रखिएगा और सब लोग जरूर इसको याद रखिएगा, ठीक ना। और देखिए एक थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट हम आगे बता देते हैं, इसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए एक कॉन्सेप्ट और आप लोग याद रखिएगा, जैसे वैल्यू निकालने के लिए आप लोग याद रखिए वैल्यू कहाँ तक, जो 90 डिग्री तक है वहां तक तो वैल्यू निकालने के लिए सीखे होंगे, जैसे देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इतना वैल्यू अभी कम से कम आप लोग याद रखिए, इससे ज्यादा वाला वैल्यू फिर हम आप लोग को निकालने के लिए सिखाएंगे। जैसे देखिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है, साइन 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, तो आराम से निकल जाएगा। करना क्या, साइन 0 डिग्री आराम से लिख दीजिए 0, 1, 2, 3, 4 और 4 से सगरो भागा दे दीजिए, पूरा 4 से डिवाइड कर दीजिए और क्या कर दीजिए फिर अंडर रूट लगा दीजिए, और जो इसका वैल्यू होगा वही इसका फाइनल वैल्यू होगा। मतलब कि साइन 0 डिग्री बराबर यहाँ 0 मतलब 0, यहाँ पे क्या होगा साइन 30 डिग्री 1/2 √4 बराबर 2 होगा, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या होगा 1/√2 होगा, 2 × 4 1/√2, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे होगा √3/2 होगा, यहाँ √3/2 होगा और यहाँ पे क्या होगा 1। तो देखिए साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2, साइन 90 डिग्री बराबर 1। अब इसी तरह क्या होता है कॉस का होता है, कॉस में क्या कीजिए, अभी हम लोग 0, 1, 2, 3, 4 बढ़े थे ना, अभी कॉस में क्या कीजिए इधर से इधर आइए 4, 3, 2, 0, अब क्या कीजिए इसमें 4 से डिवाइड कर दीजिए, इसमें 4 से डिवाइड कर दीजिए और फिर इसको अंडर रूट लगा दीजिए, बस इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ क्या आ जाएगा कॉस 0 बराबर 1, कॉस 30 डिग्री बराबर देखिए √3/2 आ जाएगा, तो यहाँ पे कॉस 45 डिग्री क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कॉस 60 डिग्री बराबर क्या होगा 1/2 और यहाँ पे 0, तो साइन और कॉस निकल जाएगा, तो टेन आराम से निकाल सकते हैं, टेन बराबर क्या होता है साइन और कॉस निकल गया तो टेन तो खुद ही निकल जाएगा, टेन बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो अगर मान लीजिए निकालना टेन 30 डिग्री का वैल्यू, तो टेन 30 डिग्री बराबर क्या होगा, टेन 30 डिग्री बराबर साइन 30 बटा कॉस 30, ठीक। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, देखिए यहाँ पे 1/2, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो √3 यहाँ रहेगा और 2 पे जाएगा, ये कैंसिल, और तो 1/√3 इसका आंसर आ जाएगा 1/√3। तो इसी तरह से टेन सब निकाल सकते हैं, तो साइन निकल गया, कॉस निकल गया, टेन निकल गया, तो कॉसेक निकाल दीजिए, कॉट निकाल दीजिए, सेक निकाल दीजिए, कॉसेक निकाल दीजिए, बस यहाँ से सब फिनिश हो जाएगा। तो इसको सब लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। अब देखिए ये कौन ये चीज तो आप लोग टेंथ तक पढ़े होंगे, एक चीज और बता देते हैं, उसको भी लगभग आप लोग टेंथ तक ही पढ़े होंगे। जैसे कल हम एक और आप लोग को चीज बताए थे कि ये वाला बताए थे यहाँ पे कितना डिग्री होता है, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री, यहाँ 270 डिग्री, फिर यहाँ 360 डिग्री। तो देखिए 360 डिग्री इसको रेडियन में अगर चेंज करना तो कैसे रेडियन में चेंज करेंगे, ये तो 0 डिग्री यानी 0 रेडियन होगा, 90 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5/2 रेडियन, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग,
इसको लिख सकते हैं हम लोग पाई रेडियन, क्योंकि पाई बराबर 180 हो जाएगा, पाई रेडियन लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 3π/2 रेडियन, 2 × 18 = 2, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2π रेडियन। पाई बराबर हम लोग क्या जानते हैं, पाई बराबर 180 जानते हैं ना, पाई बराबर 180। अब अगर इसमें 2 से भागा देंगे तो क्या होगा, 90 डिग्री पहुंचेंगे, और पाई बराबर 180 रेडियन, क्योंकि ये यहां 180 बनेगा ऐसे, फिर यहाँ 270, तो देखिए 3 × π = 180/2, 2 × 18 = 2, 270 डिग्री बना, और यहाँ पे 18 × 36 डिग्री, यानी इतना बना, 0π/2π, 3π/2π। ये वाला याद रखिएगा, ये वाला याद रखिए। अब यहाँ से एक चीज हम आप लोग को थोड़ा सा फॉर्मूला बताते हैं, जैसे देखिए कहीं कहीं ना आप लोग को इस तरह का फॉर्मूला मिलेगा, sin θ + 2π, इस टर्म में फॉर्मूला आप लोग को कहीं पे भी मिलेगा। देखिए sin θ + 2π, इस तरह का फॉर्मूला जहां पे भी मिलेगा, इतना बराबर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ये तीन या चार फॉर्मूला, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए कैसे होगा, सो तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए sin θ + 2π के पैटर्न पे जहां होगा, एन बराबर कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके पीछे देखिए 2π बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ 2π = 360 डिग्री, या क्या लिख सकते हैं, 0 डिग्री। तो 2πn यानी 2π = 0 डिग्री, और 0 में कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो उसका फाइनल वैल्यू क्या होगा, 0 ही होगा। इसी के चलते ये वाला टर्म टोटल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और बचता क्या है, थीटा। तो इसीलिए फाइनल इसका क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है। इसको इस तरह से याद रखिएगा, जैसे जैसे बीच में कहीं कहीं काम देगा, मान लीजिए कहीं कहीं वैल्यू दे दिया साइन, यहाँ थीटा का वैल्यू 30 डिग्री प्लस यहाँ दे दिया 2πn बराबर दे दिया है 9, 2π × 9, तो क्या कीजिएगा, सबको गुना करते रहिएगा। नहीं, अब ऐसे मत करिए लगेगा कि यहाँ से साइन 30 डिग्री प्लस 9 × 18π, और फिर ये मैं सोचने लगेगा पूरा वैल्यू बैठा, वैसे नहीं करना, बस यहाँ तुरंत डायरेक्ट जाकर देखना कि हो 2π = 0 डिग्री होता है, तो 2π = यहाँ 0 लिखिए, 0 × 9 खत्म, ये खत्म, बचा क्या, साइन 30 डिग्री बचा, तो बस साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, इस तरह से करना। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो साइन में क्या होता है, साइन में 2πn होता है, 2π = 0 लगा के यूज कर सकते। अब आते हैं देखिए कॉस में, कॉस में ध्यान रखिए, कॉस में भी यही सिचुएशन सेम होता है, सेम सिचुएशन यही होगा, θ + 2πn बराबर, यहाँ पे एकदम सीधा सीधी ध्यान रखिएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, सीधा सीधी कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पे होता है 2πn, तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन होता है, जहां पे भी 2π मिले तो 2π = क्या हो जाता है, 0 डिग्री। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जहां पे भी ये सिचुएशन मिले, cos θ + 2πn बराबर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, cos थीटा ही हो जाएगा। यहाँ 270 है, अब देखिए sin cos हो गया, और tan में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, जहां पे भी tan θ + यहाँ पे ना tan θ + nπ मिलता है, nπ मिलता है, यहाँ 2π नहीं मिलेगा, यहाँ पे क्या है, 2π नहीं मिलेगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, जहां पे भी देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा में हमेशा ध्यान रखना है कि 2π हमको मिलना चाहिए, 2πn, लेकिन कॉस टैन थीटा में हमेशा ध्यान रखिएगा एन थीटा ही मिलना चाहिए, मतलब कि एन थीटा कहने का मतलब एन थीटा नहीं, एन पाई होगा, थीटा की जगह पाई होगा, एन पाई मिलना चाहिए। पाई के पीछे कुछ भी हो, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी संख्या हो, तो ये वाला याद रखिएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, tan θ + nπ बराबर ये होता है, tan थीटा ही रहेगा, ठीक ना। तो साइन समझ गया, कॉस समझ गया, टैन समझ गया, कॉट में भी ऐसे होगा, सेक में भी ऐसे होगा, कॉसेक में, यानी कॉसेक, ये साइन और कॉसेक दोनों के लिए कॉसेक θ + 2nπ, सेक कॉस और सेक ये दोनों के लिए, टैन और कॉट ये दोनों के लिए। तो ये वाला थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, फॉर्मूला नहीं है, बस केवल ऐसा ही बेसिक चीज है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद देखिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वाड्रेंट वाला सब लोग दिमाग में रखिएगा, कौन सा क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, और वो जो कंडीशन बताया ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना से कितना, यानी थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/2, ये सब कंडीशन बताया ना कि अगर ये कंडीशन दिया हुआ है तो कौन सा क्वाड्रेंट में रहेगा, फर्स्ट रहेगा, सेकंड रहेगा, थर्ड रहेगा, फोर्थ रहेगा, ये वाला कंडीशन दिमाग में रखिएगा, क्योंकि यही कंडीशन से आप लोगों को क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा नहीं है, थोड़ा घुमाता है, कंडीशन बना बना के पूछेगा। तो देखिए फर्स्ट चीज का बोलता है कि यदि इफ sec थीटा बराबर −13/12, देखिए sec थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, −13/12, और बोलता है क्या, एंड थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, थीटा क्या है,
थीटा ए सी सी ओ एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट यानी द्वितीय चतुर्थांश में। तो ऐसे पहले फिगर बना लेते, देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है यानी थीटा कहीं इधर होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसीलिए तो सेक थीटा माइनस में दे दिया, समझ रहे हैं, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, केवल और केवल साइन और कॉसे की पॉजिटिव होता है, तो साइन और कॉसे का वैल्यू पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ दे दिया सेक थीटा, तो सेक थीटा तो माइनस में ही होगा, और यहाँ पे कंडीशन दिया है क्या कि थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, जिसके चलते सेक थीटा बराबर माइनस 13/12 दिया। और फिर क्या बोलता है, फाइंड द ऑल वैल्यूज ऑफ फाइव ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और जो पांच गो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए सेक थीटा बराबर जानते हैं क्या है, हम कॉस थीटा बराबर जानते हैं क्या है, बी बटा एच होता है, तो सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा, एच बटा बी, एच बटा बी, तो यहाँ से क्या गायब है, पी गायब है, पी पी गायब है, तो पी बराबर क्या होगा, अंडर रूट एच स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, एच बराबर कितना 13, तो 13 होना था 169 माइनस बराबर 44 144 अंडर रूट 169 में से 144 घटाएंगे तो क्या आएगा 25 बराबर क्या मिलेगा 5, यानी यहां से परपेंडिकुलर कितना मिल गया 5, हाइपोटेनस कितना मिल गया माइनस 13, बेस कितना मिल गया बेस कितना मिल गया 12। अब देखो यहां सब करना क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होता है, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब निगेटिव होगा। तो अगर यहां से हम लोग को साइन थीटा लिखना हो तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच, पी कितना निकला 5, एच कितना निकला 13। देखिए यहाँ एच बराबर माइनस 13 है, लेकिन केवल यहाँ पे 13 ही लिखेंगे, क्यों 13 लिखेंगे, क्योंकि साइन थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में, थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है प्लस होता है, जिसके चलते ये 5/13 होगा। अगर यहां से हम लोग इसी को लिखना चाहें कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है एच बटा पी, यानी 13/5, तो ये भी क्या होगा 13/5, ये भी पॉजिटिव होगा। तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा समझ गए, दोनों पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। लेकिन इसके अलावा मान लीजिए आते हैं अभी हम कॉस थीटा में आते हैं, तो कॉस थीटा क्या होता है बी बटा एच होता है, तो कॉस थीटा बी बटा एच, बी कितना है हम लोग को 12 और एच कितना है 13, तो देखिए कॉस थीटा और थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में, थर्ड सेकेंड क्वाड्रेंट में, जिसके चलते यहाँ पे माइनस अब हम लोग खुदे लगा देंगे, समझ लेना है कि थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में, अगर थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में, तो कॉस माइनस होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब इसका अपना एरिया ही नहीं है, जैसे होता है ना कि दबंग लोग का अपना एरिया होता है। तो देखिए साइन थीटा और कॉसेक थीटा का ये वाला रेंज है, अगर दूसरा रेंज में दूसरा ग्रुप के रेंज में चले जाइएगा तो वहां पे क्या करेगा, आपका वैल्यू नहीं देगा, इसीलिए इसका पावर यहीं तक है, साइन और कॉसेक तक की पावर है, यहीं तक अपना धाक जमा सकता है, इसके आगे भागा तो भाई इसका धाक पावर सब खत्म हो जाएगा। तो कॉस थीटा समझ गए, इसी तरह क्या होता है सेक थीटा, तो निकाला ही हुआ सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस 13/12, ये हो गया साइन कॉस का। अब आते हैं देखिए टैन का, टैन थीटा कैसे निकलेगा, टैन थीटा भी, और थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी इसका कहाँ पे अपना वर्चस्व कहाँ है अभी, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, जिसके चलते टैन थीटा का तो वर्चस्व नहीं है सेकेंड क्वाड्रेंट में, टैन थीटा का वर्चस्व रेंज उसका कहाँ से कहाँ, भाई ये मेरा एरिया है यहाँ पे वसूली हम करेंगे, तो ये तो टैन थीटा तो थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन वसूली करता है, साइन और कॉसेक ही कर पाएगा, तो टैन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा बी होता है। तो P कितना है यहाँ पे, सो देखिए P बराबर कितना है 5 है और B बराबर कितना है 12 है, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस अपने आप लिख देंगे 5/12। टेन के बाद एक और क्या बचा, कॉट बता, कॉट का क्या होगा B बटा P बराबर माइनस 12/5। इसी तरह से सॉल्यूशन करना है, समझे, यही है, यही हम उतना दिन से आप लोगों को बता रहे थे कि ऑल स्कूल टू कॉलेज, यानी थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो सब पॉजिटिव रहेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में जैसे ही लाई किया तो सेकेंड क्वाड्रेंट में धाक दूसरे का जमने लगता है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कॉमन रहता है, यहाँ किसी का वर्चस्व नहीं चलता है, लेकिन जैसे ही सेकेंड क्वाड्रेंट में आया तो साइन और कॉसे का वर्चस्व चलने लगेगा, थर्ड में आया तो टैन और कॉट का वर्चस्व चलने लगेगा, बाकी का पावर फेल हो जाएगा, फोर्थ में जाया तो कॉस और सेक का वर्चस्व चलेगा, ये वर्चस्व कहने का मतलब कि वो पॉजिटिव साइन देगा। तो इसको आप लोग समझ गए होंगे, एक क्वेश्चन हम आप लोग को दे देते हैं, उसको क्या करना है बनाना है, और आज का वीडियो थोड़ा छोटा ही रखेंगे। देखिए एक क्वेश्चन हम आप लोग को दे रहे हैं, उसको क्या करना है बनाना है, और कंडीशन अप्लाई करके दे रहे हैं, ठीक ना, देखिए कंडीशन अप्लाई करके दे रहे हैं आप लोग को, दिया हुआ है क्या, साइन थीटा बराबर माइनस 8/7,
साइन थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, माइनस 8/7। और थीटा कहाँ लाई कर रहा है हमको नहीं मालूम, हम केवल एक कंडीशन दे दे रहे हैं, कंडीशन हम दे दे रहे हैं पाई इज ग्रेटर देन थीटा इज लेस देन क्या 3π/2। अब आप लोग समझिएगा कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और आप लोग ये भी कमेंट करके बताइएगा कि ये कौन क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और ऑफलाइन कमेंट करना है ऑफलाइन। ठीक, तो देखिए साइन थीटा बराबर दिया हुआ है माइनस 8/7, और थीटा लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट मालूम नहीं, लेकिन कंडीशन दिया हुआ है थीटा इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, यानी 180 से बड़ा है, और 3π/2 मतलब कि 370 से छोटा है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में थीटा लाई करेगा ये कमेंट बताना है, और आप लोगों को बताना है कि इसका और जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा, जैसे कॉस थीटा होगा, टैन थीटा होगा, कॉसेक थीटा होगा, सेक थीटा होगा, और कॉट थीटा होगा, ये और सब कितना आएगा, वो सब सारा चीज हमको कमेंट करके नीचे जवाब देना है। ठीक, बस आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, और वीडियो को शेयर कीजिए, वायरल कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, और सब लोग वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक, जो भी वीडियो देखते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, वीडियोज खुद ही वायरल हो जाएगा। ठीक, और शेयर करते रहिएगा। थैंक यू।